हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है लेडी मोमेंट्स में, जहां मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं, जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है moments.lady, तो वहाँ पे भी फॉलो करना ना भूलें। और आज की वीडियो के बारे में बात करने वाली हूँ हाउसवाइफ से रिलेटेड। हाउसवाइफ जो होती हैं वो घर में ही होती हैं, घर के काम करती रहती हैं, और उनको ये नहीं लगता है कि उनको लाइक अपने स्टाइल में, अपने लुक में कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि वो घर में ही होती है, बाहर जाना नहीं होता है, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं समझती हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको अपने लुक में चेंजेस करने चाहिए, खुद को स्टाइलिश रखना चाहिए। आप जो भी पहनते हो, सूट साड़ी, उसमें ही आपको थोड़ा स्टाइल का तड़का लगाना चाहिए, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो, आपको कॉन्फिडेंट फील हो। ऐसा नहीं है कि आप घर में हैं, घर में ही रहना है तो आप अच्छे कपड़े ना पहने, सिर्फ बाहर जाने के टाइम ही अच्छे कपड़े पहने, नहीं, आपको घर में भी अच्छे से रहना चाहिए, ताकि कोई आए, कभी अचानक से गेस्ट आए तो उनको भी अच्छा लगे, आपके इम्प्रेशन अच्छी बने, और इवन आपको खुद भी कॉन्फिडेंट फील हो, इसलिए अच्छी स्टाइल में रहना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने लुक में स्टाइल का एक तड़का लगा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है बॉटम के बारे में। लाइक हम जो भी घर में पहनते हैं, सूट अगर पहन रहे हैं तो फिर क्या होता है कि सूट, चूड़ीदार, ये सब ट्रेंड अब बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है। लेगिंग भी पहनते हैं तो वो नीचे चूड़ी वाली लेगिंग्स भी आती हैं, तो आप उसको चेंज करके एंकल लेंथ पैंट्स बनवाएं, जो ट्राउज़र्स होते हैं, सिगरेट पैंट्स, उस टाइप की अभी इस समय बहुत ही ट्रेंड में है, और लुक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती है। तो आप लोग उस तरीके के पैंट बनवाएं टेलर से, वो बन जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने बॉटम में एक छोटा सा चेंज करके अपने लुक में स्टाइल का तड़का लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट, आप जब भी सूट बनवाएं तो अपना बॉटम वेयर, एंकल लेंथ, सिगरेट पैंट। जो दूसरी चीज़ है, आप अपने ड्रेस के जो कलर्स हैं उनको बहुत ही स्मार्टली सेलेक्ट करें, ताकि आप उसको कभी भी पहने, घर के बाहर जा रहे हों, घर में भी आप उसको पहन रहे हों, तो वो आपके सूट करें। आप उसमें जो कलर्स वगैरह हैं, आप थोड़े ब्राइट कलर सेलेक्ट करें, ऐसे डल डल कलर्स ना सेलेक्ट करें, क्योंकि वो इतने खिलते नहीं हैं कभी भी, वो किसी पार्टी वगैरह के हिसाब से आप जब ओवरऑल मेकअप करते हो तो अच्छा लगता है, बट हम घर में रह रहे हैं तो इतने मेकअप तो करते नहीं हैं, तो उस हिसाब से ऐसे कलर सेलेक्ट करें आप जो कि आपके ऊपर बिना मेकअप के भी अच्छा लगे। वो ब्राइट कलर सेलेक्ट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और कॉम्बिनेशन पे भी ध्यान दें, आपको किस टाइप के कॉम्बिनेशन की ड्रेस पहननी है, किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, इस पर एक मेरी वीडियो है, आप लोग उसे ज़रूर देखें, कलर मिक्स एंड मैच की। आपको वहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगा कि आपको कैसे कलर्स को मिक्स एंड मैच करना है। वो है दुपट्टा। ड्रेस के लिए तो दुपट्टा एक 4 चांद लगा देती है, बहुत ही इसेंशियल होता है दुपट्टा। आपने कैसे लिया हुआ है, उसके साथ मिक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा है, तो आप लोगों को दुपट्टे पे भी बहुत ध्यान देना है। आप चाहे तो लाइट वेट में ट्रेडिशनल प्रिंट्स वाले दुपट्टे ले सकते हैं, बनारसी दुपट्टा ले सकते हैं, और जो बांधनी का दुपट्टा आता है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कलरफुल, चटकीले कलर्स में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जो कच्छ वर्क वाले दुपट्टे होते हैं, कच्छी वर्क जिसको बोलते हैं, वो वाले दुपट्टे भी कॉटन पे वर्क होता है तो बहुत ही लाइट वेट होता है, आप उसको भी घर में अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और अगर बात करें तो इन ये सारे दुपट्टों की, तो ये सारे दुपट्टे ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, और अब मुझे लगता है ऑफलाइन भी हर जगह इस टाइप के दुपट्टे मिल जाते हैं। तो आप लोग ऐसे दुपट्टे में इन्वेस्ट करें, और मिक्स एंड मैच करके भी आप लोग अलग अलग ड्रेसेस के साथ वो दुपट्टे स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वो है दुपट्टे की ड्रेपिंग। अब दुपट्टे की ड्रेपिंग में भी ऐसा नहीं है कि दुपट्टे बस ऐसे ऐसे टांग लिए हो गया, या फिर गले में ऐसे टांग लिया हो गया,
दुपट्टे को अच्छे से ड्रेप भी करें आप बहुत ही स्मार्ट लगेंगी। इस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपने दुपट्टा लिया कैसे है। अगर आप वन साइड दुपट्टा भी रखते हो तो उसको भी अच्छे से रखो, और एक शोल्डर पे पिन से सिक्योर ज़रूर करें, क्योंकि आप घर के कामों में भी कुछ काम करते हो वो बार बार दुपट्टा गिरता रहेगा, आपको कम्फर्टेबल भी नहीं होगा। अगर कोई गेस्ट आया है, आप कुछ सर्व वगैरह भी कर रहे हो तो पता चले दुपट्टा गिरते ही जा रहा है, आपका पूरा कंसंट्रेशन दुपट्टे पे है, तो वो भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो दुपट्टे को सिक्योर ज़रूर करें आप अगर वन साइड शोल्डर पे दुपट्टा रख रहे हो। इवन आपने अगर दोनों साइड भी रखा हुआ है फैला के दुपट्टा, तो भी उसको सिक्योर करें अच्छे से, दुपट्टे को ड्रेप करें, इससे आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। टिप है वो है साड़ी पहनने वालों के लिए। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि रेगुलर उनको साड़ी पहनना पड़ता है उनको, लाइक हमारे साथ क्या है कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी घर में फंक्शन होती है तो हम साड़ी पहनते हैं, पूजा पाठ में साड़ी पहनते हैं। बट किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि उनको रेगुलर साड़ी पहनना पड़ता है, तो आप लोग साड़ी में कैसे स्टाइलिश दिख सकते हैं। साड़ी के लिए तो सबसे पहले आपने साड़ी उसके कलर्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें, आपने कैसे कलर की साड़ी परचेज कर रहे हो, और कम्फर्ट ऑल्सो कैसे उसकी फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक में एंड कॉटन मिक्स फैब्रिक भी परचेस कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, और लाइट फैब्रिक जो होती है वैसे फैब्रिक आप चूज़ करें ताकि आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे कि शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, कॉटन हो गया, ऐसे फैब्रिक्स आप चूज़ करें, आपको उसमें स्मार्ट भी फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। आप जब कंफर्टेबल होगे तभी आपको स्मार्टनेस आएगी, आप खुद को स्मार्ट तभी फील कर पाओगे जब आप उस ड्रेस में कम्फर्ट होगे। तो फिर अब आपको साड़ियों के लिए मिक्स एंड मैच की बात करूं, आप स्टाइलिश दिखने के लिए उसको क्रॉप टॉप के साथ भी मैच कर सकते हैं, क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कीजिए साड़ी, बहुत ही स्मार्ट लुक आता है। आप सिंपल से क्रॉप टॉप पैटर्न की ब्लाउज सिलवा भी सकते हैं, इवन परचेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आप अगर क्रॉप टॉप के साथ साड़ी स्टाइल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है, तो आप लोगों को क्रॉप टॉप के साथ साड़ी स्टाइल करके ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और कैसा लगता है ये सारे लुक आप मुझे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें आप लोग अगर ऐसे क्रिएट कर रहे हो अपने लुक को तो। एंड वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना प्लीज़ 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 ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और कुछ भी कमेंट हो, कुछ अच्छा लगा या कुछ गलत लगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है वीडियो से रिलेटेड कि आप मुझे इससे रिलेटेड कोई वीडियो करके दिखाओ, उससे कुछ और टॉपिक्स हैं आपके माइंड में फैशन से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर से करें, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की जो भी डिमांड है उसको पूरी करूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एक्टिव एंड हेल्दी, बाय बाय।